दोस्तों, नेपाल से होने के बाद हम वापस वाल्मीकि जो विहार था उसमें आ गए थे। तो हमें बताया गया कि यहाँ पे आज एक कल्चरल डांस होता है जो कि हर शनिवार को होता है, जो यहाँ पे ट्राइबल्स हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो कल्चरल ट्राइबल जो डांस हो रहा है, ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से थारू लोग खेती करते समय इस गीत का प्रयोग करते हैं, इस गीत को गुनगुनाते हैं। इनका एक अपना कल्चर है जो कि ये फॉलो करते हैं, और इस तरीके से हर ट्राइबल जो होते हैं अपने अपने कंट्री में, अपने अपने देश में, अपने अपने राज्य में या अपने अपने इलाके में, उनका एक अपना यूनिक तरीका होता है खेती करने का। जैसे आपने सुना होगा झूम खेती के बारे में, अपने मेघालय के ट्राइबल्स को देखा होगा, अपने मणिपुर के ट्राइबल्स को देखा होगा, तो वैसे ही बिहार के पश्चिम चंपारण में जो वाल्मीकि विहार है, यहाँ पर जो थारू जनजाति पाई जाती है, उनका एक ये पारंपरिक तरीका है अपना खेती करने का। और इस तरीके से वो गीत गाकर यहाँ के महिलाएँ, यहाँ के पुरुष सब सम्मिलित होकर इस तरीके से खेती करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कल्चरल प्रोग्राम हमारे ठीक सामने हो रहा है, और ये थारू जनजाति के लोग हैं जो कि
हर शनिवार को वाल्मीकि विहार में यहाँ पे आके अपना एक कल्चरल डांस जो है वो करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। तो वी वर लकी टू सी दिस डांस परफॉर्मेंस टुडे। और ये जो इनका पारंपरिक जो तरीका होता है खेती करना, जैसे मैंने आपको बताया था, उस खेती के दरमियान जो जो जी तरह तरीके की खेतें होती हैं, छेड़ने की एक दूसरे को, एक दूसरे को प्रोत्साहन देने की, और अलग अलग करेक्टर्स को ये उसमें लाते हैं, जैसे ननद हो गई, सास हो गई, बहू हो गई, उन सबको एक करेक्टर में लाते हैं और उनके बेसिस पे गीत के बोल इन्होंने लिखे होते हैं। और ये कई सालों से, सदियों से ये थारू जनजाति यहाँ पे अपना ये परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं और ये इसे प्रयोग करते आ रहे हैं अपने खेती के लिए। दोस्तों ये कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म होते हुए और जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, मैं पहली बार अपने लाइफ में किसी भी ट्राइबल कल्चरल डांस को देख रहा था और काफ़ी अच्छा था अनुभव ये। और आप जब कुछ डिफरेंट देखते हो, डिफरेंट कल्चर से आप रूबरू होते हो, तो आपको अच्छा लगता है। वही फीलिंग मुझे आज आ रही थी।
एंड सच में ये डीजे वजह से दूर, ये सब बहुत चीज़ों से दूर जो है भी चीज़ें हैं जो आपसे अछूता रह गया है। तब कहीं भी जाएं, हम लकी हैं कि हम आज यहाँ पे आज सैटरडे को रुक गए और हमें ये प्रोग्राम देखने को मिला। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और थारू जनजाति के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसे लगे, उनका कल्चरल डांस कैसा लगा, और उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।